अच्छा जो नेगेटिव हमने पैंडमिक में देखा तो वेबिनार एक बूम करके निकल के आया कि हम बैठे बैठे सबसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने टू बी वेरीफाइड अब तक पिछले सवा साल में 1.5 साल के अंदर 600 से ज्यादा वेबिनार किए। मैंने जो 3 इंपॉर्टेंट चीज देखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट एक मैं वेबसाइट देखा था जिसमें म्यूचुअल फंड एयूएम देखा था, 2000 में हमारे पास 1.1 ट्रिलियन का हमारा म्यूचुअल फंड था और अब अगर अपन देखें तो आई थिंक 30 से ज्यादा 30 ट्रिलियन के आसपास का एयूएम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जहाँ पे बता रहे 17% का सीएजीआर ग्रोथ हुआ है पिछले 20 सालों में। लेकिन एक अच्छा चीज मैं बता दू, आप मुझे खुद बताइए 10 साल पहले म्यूचुअल फंड का एक थीम हुआ करता था, क्या होता था वो कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आदमी उसको देख कर घबरा जाता था और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता था क्योंकि वो रिस्क का नाम सुनता था। 2013 में उन्होंने पोलिंग कराई, बोले उसमें क्या हम लोग करें, तो उसके बहुत अच्छी एडवाइस मिली उनको, बोला म्यूचुअल फंड सही है। और आप देखिए 2013 के बाद म्यूचुअल फंड की एयूएम में क्या ग्रोथ आई। आज हमको एफआईआई की जरूरत नहीं, हमारे पास 10,000 करोड़ की एसआईपी बुक है। मैं कोई एक्सचेंज का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन एक इम्पोर्टेंट है कि मैसेज कैसे जाए। तो आज अगर अपन मैं एक और बताता हूँ, जैसे एक और एक्सचेंज है, बड़ा एक्सचेंज है इक्विटी में, सोच के समझ कर इन्वेस्ट कर। तो धीरे धीरे ऐसे हम एग्री की बात करें तो मार्केट में जैसे बीपी जी ने बताया, रिवर्स जी ने बताया कि अभी भी अनसर्टेनिटी बनी है। और सेकेंडली जो लेवल का काम करना है वो क्या काम करना है, आज म्यूचुअल फंड के एजेंट्स जिसको एजेंट्स वर्ड बोलते हैं आप देखिए गली गली में फैले हुए हैं, नया ब्लड ढूंढकर लेके आते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराने आ रही है। क्या हमने आज जो 200 300 500 वेबिनार किए हैं या सेमिनार किए हैं उस पर हमने नया ब्लड कितना जोड़ा। हम लोग टू बी वेरीफाइड, मैं भी आज ब्रोकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 18 साल से। अगर हम हमारे सेल्स वाले को बोलते हैं कि हमको ये वेबिनार करना है या सेमिनार करना है, मुझे 100 जन चाहिए, तो वो जाता किसके पास है, जो आदमी उसका काम कर रहा है, वो नया ब्लड लाने की कोशिश ही नहीं करता। आज आप देखिए वेबिनार में जो अरुण जी ने बोला फटी के कि आदमी थक गया है वेबिनार के नाम पे, मैं भी अभी बैक टू बैक, ये मेरा सेकंड है, 4 बजे से एक कैजुअल भी होना चाहिए और इन्वेस्टर सब चीज होती है। तो उनके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी डिजाइन की क्रूड के ऊपर, हम देखते हैं वीकली इन्वेंट्री आती है, तो क्या हमने नया प्रोडक्ट लेके आए हैं क्या। हाँ, क्रूड की इन्वेंट्री आती है, उसके बेस पे हम एनर्जी डेक्स पे या क्रूड ऑप्शन में काम कर सकते हैं। वैसे एग्री के अंदर भी हम ऐसा कुछ प्लान है। तो मुझे लगता है पहला चीज है ग्राउंड लेवल पे अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जो भी हमारे सेल्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव है ना, वो क्या करते हैं, वो दूसरे ब्रोकर के अंदर कोई आदमी काम कर रहा है उसको बोलते हैं बेटा मैं तेरा ब्रोकरेज कम कर दूंगा तू मेरे पास आ जाए, मैं तेरे को सर्विस अच्छी दे दूंगा तू मेरे पास आ जाए, जबकि नए ब्लड के लिए हम लोग ट्राई नहीं कर रहे। दूसरा है इनोवेशन इन प्रोडक्ट, नो डाउट एक्सचेंज और रेगुलेटर ने इंडेक्स लेके आए हैं या ऑप्शन लेके आए, बट इसके बावजूद अभी भी नए प्रोडक्ट्स और स्ट्रेटेजीज मार्केट में आना बाकी। मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, मैं एक कॉर्पोरेट के साथ टच में हूं पिछले 6 महीने से, उसका प्राइमरी रॉ मटेरियल है राइस ब्रैन ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल उसका प्राइमरी है। एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है क्या, नहीं होता है। वो बोलता है मेरी कैपेसिटी है कि मैं 1000 MT मंथ का लेता हूँ और मुझे हेज करना है, बट एक्सचेंज के पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं। तो ये नेगेटिव हमको मालूम है, एक्सचेंज के पास प्रोडक्ट नहीं है, बट हम उसमें पॉजिटिव क्या ला सकते हैं। आज विपिन जी है, युवराज जी है, विनीत भाई है, आप लोगों को कम से कम 20-30 साल के एक्सपीरियंस है, हम नया क्या ला सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कोरिलेशन समझाया। आरबीओ का कोरिलेशन आरओसओ के साथ 94-95% का है, तो कोरिलेशन है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। एक्सपर्ट सेबी भी कोई भी दो कमोडिटी में 85-90% के ऊपर का कोरिलेशन होता है एक साल के अंदर, तो दैट इज गुड टू हैज। और वो रियली हियर स्टार्टेड विद अ पायलट प्रोजेक्ट, तो कहने का मतलब ये इनोवेशन जरिए है, क्योंकि पेपर आता है अपना सर कैस्टर ऑयल फॉर एग्जांपल, कोकोनट ऑयल में मैं काम करता हूँ, कोकोनट ऑयल हमारे इधर ट्रेड ही नहीं होता। तो इम्पोर्टेंट है या तो हम उसको नेगेटिव बताए अगर नहीं हमारे लिए ट्रेड ही नहीं हो रहा, या ये चीज को कैसे हम लोग नया तरीके से मार्केट करके या ग्राउंड लेवल पे पहुंच कर, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे हमने एक बड़ा यही देखी है कि हमारे जो सेल्स एग्रीमेंट जाते किसके पास है। और मुझे पता है विपिन जी गवार में काम करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, गवार डेस्क लॉन्च हुआ विपिन जी गवार डेस्क में काम करता है, विपिन जी मेरे को तो पता है यार मैं तो फिजिकल भी काम कर रहा हूँ ये सब भी कर रहा हूँ मैं। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि नया ब्लड मार्केट में आए कैसे, तो गवार के भी कुछ और वैरायटी हम लोग एक्सप्लोजिव में है या फूड इंडस्ट्री है उनको नहीं लेके आ पा रहे। या मैंने एक प्रोजेक्ट निकाला जिसमें क्रूड के पीछे क्रूड और कॉटन का कोरिलेशन है। आज मैं आपसे भी पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ, क्रूड और कॉटन का कोई कोरिलेशन है क्या, कोई बोलता नहीं।
नहीं पता। क्रूड और सॉरी कॉटन और पॉलिस्टर का कोरिलेशन है, अगर पॉलिस्टर महंगा होगा तो कॉटन भी महंगा होगा। मैंने इंडस्ट्री वालों को बताया कि अरे सर आप कॉटन को अगर कोरिलेट करना है तो आप पॉलिस्टर और कॉटन का कोरिलेशन लिखेंगे, क्रूड बढ़ेगा तो पॉलिस्टर बढ़ेगा तो कॉटन भी बढ़ेगा। तो ये इनोवेशन और हमें रिसर्च की जरूरत है। इक्विटी में हम देखते हैं कि न्यूज चैनल है जो सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक है ना चलते रहे, कमोडिटी के न्यूज चैनल होने चाहिए, कमोडिटी का जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, अपॉर्चुनिटी शेयरिंग है, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो मैं पैनल पे आकर या पब्लिक डोमेन पे आकर उसको शेयर नहीं करूँ। इम्पोर्टेंट है ये शेयरिंग होना चाहिए ताकि नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे और नए एवेन्यूज दिखे, तो ही पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो आई थिंक न्यू ब्लड लाने के लिए हमें काम करना चाहिए, ना कि जो ऑलरेडी बंदा काम कर रहा है कमोडिटी में उसके पीछे हम भागे। उसके लिए तो काफी पब्लिक है और वो भी खुद आ जाएंगे, बट नया ब्लड आएगा तो वो सस्टेन करेगा। सुनील जी बिल्कुल, अजय जी आपने बहुत बेहतरीन ये बात कही है पार्टिसिपेशन के। हमने भी स्टार्टिंग के अंदर यही बात की कि पार्टिसिपेशन और नॉलेज और लिक्विडिटी, ये तीन जो स्तंभ है ये मुझे लगता है कि कमोडिटी मार्केट को एक नई दिशा दे सकते हैं।